मैं हूं जासमिन सिंह और ये है कनेक्ट मूवी रिव्यूज और आज हम बात करने जा रहे हैं द मैच टॉक्ट अबाउट फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में जिसे डायरेक्ट किया है अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है पल्लवी जोशी दर्शन कुमार अनुपम खेर मिथुन चक्रवर्ती और अमान इकबाल ने द कश्मीर फाइल्स बेस्ड है 1990 में हुए कश्मीरी पंडित्स के साथ एट्रोसिटीज के ऊपर जैसे हम एक्सोडस या जेनोसाइड भी कह सकते हैं डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये सारा इंसिडेंट बहुत ही सेंसिटिवली पोट्रे किया है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डार्क हिस्ट्री और इसे ऐसे ही दिखाया गया है कश्मीर फाइल्स डीपली टचिंग टेक है एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग टेक जिसे पूरी ब्रूटल इंटेंसिटी के साथ ही दिखाया गया है मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांधकर कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई हालांकि कश्मीर जो फाइल्स के डायलॉग्स बहुत स्ट्रांग है लेकिन कहीं ना कहीं ये जाके अपनी ऑब्जेक्टिविटी कुछ हद तक लूज कर जाती है फिल्म में जो काफ़ी सारे पॉलिटिकल अपहीीवल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह नहीं दिखाया गया फिल्म अंडरप्ले करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एंगल और सारा सारा ओनस जो है मुस्लिम्स पे लोकल मुस्लिम्स पर डाला गया है फिल्म में मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो पल्लवी जोशी मिथुन चक्रवर्ती दर्शन कुमार अनुपम खेर का, का काम बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है अनुपम खेर और दर्शन कुमार के मोनोलॉग्स लोगों को काफी काफी वेल वेल एंड पुट टुगेदर नजर आ रहे हैं फिल्म में काफी सारे इश्यूज को एक तरह से डील किया जा रहा है आर्टिकल थ्री का इशू जे का मुद्दा ये सारे आपको इस फिल्म में नजर आएंगे और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित के साथ ये कैसे रिलेटेड है ये भी बताया गया लेकिन ऐसे कुछ पोलिटिकल हैपनिंग इधर उधर विवेक रंजन अग्नि उत्री दिखा सकते थे टू मेक द फिल्म मोर सेक्युलर। बहुत लोगों का कहना है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक वन साइड अप्रोच लेके आ रही है लेकिन यह बात हमने पहले भी अपनी वीडियो में की थी कि ऐसी फिल्म ना सिर्फ बननी चाहिए बट लोगों को देखनी भी चाहिए क्योंकि एक हिस्ट्री का हिस्सा है हालांकि कनेक्ट मूवी रिव्यूज़ पे हम हर फिल्म को रेटिंग देते हैं लेकिन द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म्स को रेटिंग नहीं दी जा सकती ये ऐसी फिल्म है जिसमें काफ़ी सारा ह्यूमन टच है ये एक ऐसी फिल्म है जो एक हिस्ट्री का हिस्सा है ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को ऑडियंसिस को ज़रूर देखनी चाहिए वेदर और नॉट टू टेक अ साइड इज़ फॉर देम टू डिसाइड बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप जिनसे एग्री करें और बहुत सारी ऐसी पोलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो शायद इस फिल्म में कही कहीं ना कहीं मिसिंग है लेकिन फिर भी द कश्मीर फाइल्स डेफिनेटली मेक्स फॉर अ मूवी जिसे आपको थिएटर्स में जरूर जाके देखना चाहिए आप सबको ये फिल्म समर्पित है अभी ये फिल्म के साथ क्या होगा ये आपके हाथ में